रॉय बात कर रहा हूँ भाई, और स्वागत है आप सबका रॉय मैच प्रेडिक्शन में। चलिए आज बात करते हैं इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड के पहले ओडीआई मुकाबले में। आगे बात करूँ मेरे भाई, उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नया आए हो, पहली बार आए हो, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और मेरे भाई, अभी तक अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं कर रखे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रही हो मेरे भाई। और अभी टीटन का भी काम चल रहा है और बिंदास काम चलेगा, टॉस मैच विकेट कॉल आपको हर चीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल में फ्री में प्रोवाइड करा जाती है। तो मेक श्योर कि जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लोगे, यहाँ पर हज़ारों रिपोर्ट देने वाले, प्रिडक्शन देने वाले आपको यूट्यूब पर मिलेंगे मेरे भाई। तो मेरे भाई एक बार जाकर काम देख लो, दूसरी चीज़ कि एक बार जाकर फॉलो कर लो एक दो मैच, काम देखो, खेलो मत, काम देखो, आपको काम और काम का लेवल समझ में आ जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पे जो प्रेडिक्शन मैं देता हूँ मेरे भाई, वो मैच से काफ़ी पहले दी जाती है। तो मेरे भाई आफ्टर टॉस या चलती मैच के दौरान बहुत सारी चीज़ें चेंज जाती है और कई बार चेंज हुई है। यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे कुछ और प्रेडिक्शन दिया है, पर फाइनल प्रेडिक्शन मैंने सीधा बदल दिया है टीम टेलीग्राम पे, और वही टीम जीती भी है। तो जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं मेरे भाई इस मुकाबले के बारे में। तो ये मुकाबला मेरे भाई 25 नवंबर को सुबह 7 बजे भारतीय समय अनुसार खेली जानी है, और ये मुकाबला मेरे भाई ईडन पार्क ऑकलैंड में खेली जानी है, जहाँ की अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल अब तक ओडीआई के 73 मैचेस हो चुके हैं, जहाँ पे मेरे भाई पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 30 मैचेस को जीती है और सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम 42 मैचेस को जीती है। तो मतलब चेज करने वाली टीम यहाँ पे मैच में ज़्यादा आगे होती है। फर्स्ट बैटिंग की एवरेज स्कोर यहाँ पे 220 रन की होती है, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ, माफ़ करिएगा क्योंकि जल्दीबाजी में वीडियो बनानी पड़ती है और कितना ध्यान दिया जाए, तो मैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का रहा है 334 या 36 रन 4 विकेट के नुकसान पे, और लोवेस्ट स्कोर रहा है मेरे भाई न्यूजीलैंड का 73 रन 10 विकेट के नुकसान पे। और मेरे भाई वहीं पे अगर स्कोरिंग पैटर्न को देखा जाए तो यहाँ पे 200 से नीचे का स्कोर 25 बार लगाया है, 200 से 249 का स्कोर यहाँ पे 27 बार लगाया है, 250 से 299 का स्कोर यहाँ पे 17 बार लगा है, और 300 के ऊपर का स्कोर यहाँ पे टोटल 5 बार लगा है। तो देखा जाए तो मेरे भाई यहाँ पे एवरेज स्कोरिंग वाला गेम देखने को मिल सकता है, 200 से 249 वाला, या तो हार्डली आपको अगर स्कोर यहाँ पे जाएगी तो 265-70 के बीच में, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा स्कोर ऊपर लगेगी फर्स्ट बैटिंग की। और भाई उन दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले को देखा जाए, टोटल हेड टू हेड मुकाबला इन दोनों के बीच 110 मैचेस खेला गया, जिसमें कि इंडिया 55 मैच जीती है और वहीं पे मेरे भाई न्यूजीलैंड केवल 49 मैच जीती है। देखा जाए तो 6 मैचों से इंडिया लीड कर रही है, 6 मैचेस से आगे इंडिया न्यूजीलैंड के बनस्पत। और मेरे भाई लॉस इन दोनों के बीच टोटल इंडिया ने 49 मैच को लॉस किया है और मेरे भाई न्यूजीलैंड ने 55 मैचेस को लॉस किया, और 5 मैच मेरे भाई यहाँ पे नो रिजल्ट भी रहा है, ये यहाँ पे दिया नहीं हुआ पर मैं बता दे रहा हूँ, 5 मैच यहाँ पे नो रिजल्ट रहा है और 1 मैच टाई भी रहा है। और मेरे भाई दोनों टीमों की अगर प्लेइंग 11 को देखा जाए तो इंडिया की तरफ से शिखर धवन, शुभमन गिल, संजू सैमसन भी खेल सकते हैं इस मैच में, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, दीपक हुडा, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव हो सकते हैं। और न्यूजीलैंड की तरफ से मेरे भाई फिन एलन, डिवॉन कॉनवे, केन विलियमसन, टॉम लिथन, ग्लेन फिलिप्स, डेली मिचेल, जेम्स निसम और मेरे भाई मिचेल सेंटनर, एडम मिलने, लोकी फर्गुसन और मेरे भाई टीम सऊदी हो सकते हैं। तो भाई मेरे अनुसार इस मैच का मैच विनर न्यूजीलैंड रहेगा, न्यूजीलैंड पहले ओडीआई मुकाबले को जीत सकती है। और बाकी मेरे भाई अगर फाइनल रिपोर्ट मेरे भाई आपको चाहिए, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट तो यहाँ पे मैं मैच का टाइम पे डाल नहीं सकता हूँ, तो फाइनल प्रिडक्शन, फाइनल रिपोर्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जहाँ मेरे भाई जैकपॉट इंट्री, लंबी विकेट कॉल, टॉस रिपोर्ट, हर चीज़ आपको वहाँ पे ओपन में प्रोवाइड करा जाती है। तो मेक श्योर कि जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए धन्यवाद।